नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारे पास ये 200 Ah की बैटरी है, कितना हमें चार्जिंग अपीयर मिलता है और हमारे पास कितना एक सोलर पैनल है और हमारे पास चार्ज कंट्रोलर कौन सा है। तो दोस्तों हमने जो है ये नॉर्मल इन्वर्टर ले रखा है, 700 KVA का छोटा इन्वर्टर है और ये हमारी बैटरी है और हमारे पास दोस्तों ये एक चार्ज कंट्रोलर अलग से लगा हुआ है स्मार्टन का। तो आज देखना है दोस्तों, देखिए इसमें कितने एम्पेयर आ रहे हैं। ये हम इसी से जो है हमारी वो बैटरी, ये वाली बैटरी चार्ज हो रही थी, तो अभी हम इसमें देखने वाले कि हमें कितने एम्पेयर मिल रहे हैं। इसमें 12 वोल्ट 50 एम्पेयर का एक कैपेसिटी का चार्ज कंट्रोलर है और दोस्तों बिल्कुल ये लाइव चल रहा है कि हमारी बैटरी जो है कितने एम्पेयर से और वोल्ट से अभी जो है इसमें चार्जिंग मिल रही है। देखिए 100 पावर अवेलेबल। देखिए दोस्तों इसमें 8.5 एम्पेयर और 34.1, और देखिए दोस्तों बैटरी वोल्टेज 13.8 और 17.9 वोल्ट से चार्ज हो रही थी। तो दोस्तों इसके लिए हमने क्या किया है, सिर्फ एक सोलर पैनल लगाया है 440 वाट का। तो सोलर पैनल पर भी आपको दिखाते हैं लाइव, यहाँ से ये हमारी तार गई हुई है बाहर को, ये देखिए दोस्तों हमारे यहाँ से तार आती हुई। तो दोस्तों देखिए हमारी नीचे से तार यहाँ से ऊपर आती हुई इस सोलर पैनल में। तो ये हमारा जो है मोनो हाफ कट का सोलर पैनल है जो 445 वाट का है। इस पर आपको नेड़े से दिखाएंगे, अभी देखना 445 वाट इस पर लिखा हुआ है। और ये दोस्तों एक ही पैनल हमारा 445 UTL का है जो हमें अच्छी खासी जो है अम्पेयर नीचे स्मार्टन पे दे देता अपने है। अपने दोस्तों कि हमारा जो है एक पैनल ही 445 वाट का UTL का, उसने ही हमारा जो है ये पूरा चार्ज कंट्रोल में अच्छे खासे एम्पेयर दे रहा है और हमारी बैटरी को फुल बढ़िया चार्ज कर रहा है। आपको दोबारा दिखा देते हैं, देखिए एम्पेयर इसमें कितने आ रहे हैं और वोल्टेज कितना आ रहा है इसका सोलर पैनल से और हमारी बैटरी कितने वोल्ट एम्पेयर से चार्ज हो रही है। ये देखिए दोस्तों 8.8 एम्पेयर ऊपर से आ रहे हैं और 34.6 वोल्ट और 18.8 एम्पेयर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है और 13. अभी जो है इसके वोल्ट थे 13.8। और ये देखिए पीछे से कनेक्शन हुए हुए हैं इसके, हमारी ये दो बैटरी के और ये सोलर पैनल कनेक्शन है और हमारी ये बैटरी के, यहाँ से आते हुए ये हमारी बैटरी फुल इसी से चार्ज हो रही है। अच्छे खासे इसको चार्जिंग एम्पेयर मिल रहे हैं। 200 Ah की बैटरी है जो कुछ ही समय में फुल चार्ज हो जाएगी और हमने ये इन्वर्टर लगा रखा है। इन्वर्टर से हम दोस्तों क्या करते हैं, इसका जो है बैकअप इससे लेकर, और जो है हमने यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमने एक स्विच लगा के इसका बैकअप लेके हम इससे जो है इसे लेकर हम अपने घर का लोड चलाते हैं। और इससे दोस्तों हमारा घर का पंखा, टीवी, लाइट सब कुछ नॉर्मल चल जाता है। और आपको लाइट भी जला के दिखाते हैं इसके ऊपर, बैकअप के ऊपर। तो अभी हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। देखिए ये देखिए हमने इसको जो है इन्वर्टर कनेक्ट कर दिया है और इसको हम दिखाएंगे कि हम इस पर क्या क्या चला सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने जो है एक यहाँ पे लाइट लगा रखी है, देखिए लाइट जल गई है और वो हमारा एक छत पे पंखा भी लगा हुआ है उसको भी ऑन करते हैं। हमारा पंखा भी ऑन हो रहा है, देखिए हो गया ऑन। ये दोस्तों BLDC पंखा है इसलिए जो है काफ़ी समय इसका बैकअप भी रहेगा। तो दोस्तों ये भी है पावर सेविंग के अच्छा कि जो है इसमें बिजली कम खाता है, देखिए अच्छे खासे स्पीड पे काम कर रहा है पंखा। दोस्तों हमारा जो है ये LCD TV लगा हुआ है इसको भी हम ऑन करते हैं। ये दोस्तों देखिए हमने जो है टीवी के लगा दिया, अभी टीवी भी ऑन हो गया है और हमारा ये घर का लोड भी चल रहा है और हमारा वो सीलिंग फैन भी चल रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।